हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है यूआरएल इंस्पेक्शन। इसे यूआरएल इंस्पेक्शन टूल भी बोल देते हैं और पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। तो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल बेसिकली ये सारे काम करता है। पहला जो काम है वो है गूगल इंडेक्स स्टेटस, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई यूआरएल है और आप उसे चेक करना चाहते हैं कि क्या ये गूगल में इंडेक्स है या नहीं है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप सर्च कंसोल में जाएंगे और उस यूआरएल को वहां पर एंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि क्या आपका यूआरएल इंडेक्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर इंडेक्सिंग वाली रिपोर्ट में जाता हूं, जो हम ऑलरेडी इंडेक्सिंग वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और यहां पर मैं एक इंडेक्स यूआरएल उठा लेता हूं। यहां से हम इंडेक्स पेजेस पे जाएंगे और इंडेक्स पेजेस पे जाने के बाद आपको यहां से मान लीजिए ये यूआरएल को हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं। और देखिए, ये जो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी यही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। और इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जो है इंस्पेक्ट यूआरएल टूल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और एंटर पर प्रेस करेंगे। तो अभी क्या हम चेक कर रहे हैं, गूगल का इंडेक्स स्टेटस। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि यू आर एल इज़ ऑन गूगल। इसका मतलब ये गूगल में यू आर एल जो है वो इंडेक्स्ड है। यहाँ पर भी ये आ रहा है पेजेस इंडेक्स, तो यहाँ पर भी ये हमें क्या बता रहा है कि आपका जो पेज है वो इंडेक्स है। इसके बाद इंस्पेक्ट लाइव यू आर एल। अब मान लीजिए ये पेज आपने काफ़ी समय पहले बनाया था और उस वक्त ये इंडेक्स हो गया था। ठीक है, अब आप उसको अगर लाइव चेक करना चाहते हैं कि अभी उस पेज का स्टेटस क्या है, वो कैसे है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या ये पेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मान लीजिए इंडेक्स है बट हो सकता है कि अब आपने इस पेज को रिमूव कर दिया हो। तो लाइव यूआरएल, ये जो टेस्ट लाइव यूआरएल का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको लाइव चेक कर सकते हैं कि आज अभी के वक्त ये जो पेज है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये जो इसका लाइव टेस्ट आ रहा है, लाइव टेस्ट के अंदर भी यूआरएल जो है गूगल पे है और ये बाकी सारे इसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो रिज़ल्ट हैं, गूगल इंडेक्स में इसका स्टेटस ये है और लाइव टेस्ट के अंदर इसका स्टेटस जो है ये है। इसमें HTTPS नहीं दिखा रहा बट वो HTTPS है इसके अंदर, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चेक कर सकते हैं, लाइव यूआरएल भी चेक कर सकते हैं। थर्ड है रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग, रिक्वेस्टिंग फॉर इंडेक्सिंग। तो मान लीजिए अगर ये गूगल पे इंडेक्स नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर आता है कि ये यूआरएल जो है गूगल में नहीं है, तो उसके लिए हम एक कोई ऐसा यूआरएल उठा लेते हैं जो गूगल पे नहीं हो। तो हम क्या जाएंगे, इंडेक्सिंग वाली रिपोर्ट में जाते हैं और नॉट इंडेक्स में जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग में से मैं कोई एक यूआरएल उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने ये एक यूआरएल है, इसको यहीं से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये जो है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल। अगर आप इस यूआरएल को गूगल पे देखना चाहते हैं, अभी तो नो इंडेक्स था, नो इंडेक्स वाले को हमें नहीं करना है, बट इफ़ बाय चांस अगर वो और किसी कैटेगरी में आ रहा होता और आपने उसको इंडेक्स करवाना होता, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट है रेंडर्ड वर्जन ऑफ पेज। तो रेंडर्ड वर्जन अगर हमें देखना है तो हमें किसी लाइव यूआरएल को जो इंडेक्स हो उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उसी यूआरएल को टेस्ट करता हूँ फिर से। यहाँ पर आप देखेंगे व्यू क्रॉल्ड पेज का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, HTML, तो यहाँ पर आपको HTML दिखेगा, स्क्रीनशॉट, तो ये लाइव यूआरएल का जो आप एक बार फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा लाइव यूआरएल चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइव यूआरएल चेक कर रहे हैं और ये हमें क्या है उसका जो पेज का स्क्रीनशॉट दिखाएगा कि अब जो गूगल को वो पेज किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये पेज जो है आपका दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही है कि रेंडर्ड वर्जन दिखा रहा है, रेंडर करके आपको फाइनल जो है आउटपुट ये दिखा रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, व्यू लोडेड रिसोर्सेज, तो वो भी आपको इसी के अंदर ही मिल जाएगा। तो जब आप मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो लोडेड हैं और कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो लोडेड नहीं है। जैसे इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ एरर है, गूगल बॉट ये है, इसको ये जो एड है इसको ब्लॉक कर रहा है, robot.txt फाइल। तो जो रिसोर्सेज लोड नहीं हो पाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर जावा के कुछ एरर्स हैं वो यहाँ पे लोड नहीं हो रही हैं, तो ये कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उनकी वजह से जो भी इश्यूज़ आएगा वो सारा आपको इस पार्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रबल शूट इंडेक्सिंग रीजंस। तो ये क्या है कि ये हमें बताता है कि आपका वो जो पेज है वो इंडेक्स क्यों नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर हम एक बार फिर से इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा पेज था,
ये इंडेक्स नहीं था, ठीक है। अब अगर आपने फाइंड आउट करना है कि ये पेज इंडेक्स क्यों नहीं है, तो वो जो पूरी यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी उससे पता चल जाएगा। डिस्कवरी, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि क्या गूगल को वो यूआरएल अवेलेबल है क्या नहीं है। तो क्योंकि ये नो इंडेक्स वाला एक यूआरएल है, इसको हम इंडेक्स नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने इसको साइट मैप में नहीं रखा है। बट इन केस अगर आपका कोई ऐसा यूआरएल है जिसे आप इंडेक्स करना चाहते हैं, तो ये साइट मैप में होना चाहिए। सेकंड, आप ये भी कोशिश करें कि वो कहीं ना कहीं से रेफ़र हो रहा हो। तो ये तो रेफ़र हो रहा है, बट अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो रेफ़र हो चाहे ना हो वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, आगे आप देखेंगे कि वो क्रॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है गूगल उसको। पहले तो यहाँ से ये देखेंगे कि लास्ट क्रॉल इसको कब किया था, फिर किसने क्रॉल किया था, गूगल बोट ने, ठीक है। क्रॉलिंग अलाउड है, यस, क्रॉलिंग अलाउड सभी तरह के यूआरएल्स की आपकी होनी चाहिए, भले ही आप उसको इंडेक्स नहीं भी करवाना चाह रहे हों। पेज फेच सक्सेसफुल है। अब इंडेक्सिंग अलाउड है क्या नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे नो इंडेक्स किया हुआ है, तो इंडेक्सिंग इसकी हमें अलाउड ही नहीं कर रखी है, तो इस वजह से ये इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जिसके अंदर अभी मैं नेक्स्ट बताने से पहले इसका जो लास्ट ऑप्शन है कैनोनिकल इशू, तो अगर कैनोनिकल कुछ इशू है तो वो यहाँ पर आपका विजिबल हो जाएगा। बट ये क्योंकि यूआरएल ही इंडेक्स नहीं है, तो इसमें कैनोनिकल का कोई आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। अभी देखिए इसमें एक और यूआरएल को हम टेस्ट करते हैं जिसे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेजेस में जा रहा हूँ और नॉट इंडेक्स के अंदर क्रॉल्ड बट क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, यहाँ पर जाकर एक यूआरएल जो है, ये देखिए ये एक यूआरएल है, ये सही यूआरएल है और ये इंडेक्स होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसका स्टेटस देखिए क्या है, पेज इज नॉट इंडेक्स, पेज इंडेक्स नहीं है, यूआरएल गूगल पे भी नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि क्या ये हमने इसको नो इंडेक्स तो नहीं किया हुआ है, तो ये नो इंडेक्स नहीं है, इंडेक्सिंग अलाउड है, ये देखिए यस इंडेक्सिंग अलाउड है, ठीक है। और गूगल इसको क्रॉल कर पा रहा है, यस क्रॉल भी कर पा रहा है, पेज फेच हो पा रहा है, हो पा रहा है, लास्ट कब क्रॉल किया था, इस तारीख को क्रॉल किया था, यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल ये है और गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल जो इंस्पेक्टेड यूआरएल है वही है, बट फिर भी ये पेज जो है वो इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम पहले तो इस पेज को आप चेक कर लें बेसिकली कि ये क्या ये पेज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप इस पेज को यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं हम। तो इसको मैंने ओपन किया, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये पेज इंडेक्स ना हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा कंटेंट कम है इसके ऊपर, तो थिन कंटेंट की वजह से ये ज़्यादातर इशू आता है, आप इसका कंटेंट हम बढ़ा सकते हैं, बट फिर भी ये इनफ है, 600 वर्ड्स तो होंगे ही इसके अंदर। तो जब सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। जब रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल को बताएंगे कि इस पेज को आप इंडेक्स कीजिए। इस तरह से आप जितनी भी जो इंडेक्सिंग की जो एरर्स हैं वो सोल्व कर सकते हैं। इंडेक्सिंग की सारे इश्यूज को कैसे सोल्व करने हैं, किस इस एरर का क्या मतलब है, उस पर इसका इस सीरीज़ का पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने हर एक जो इशू है उसके बारे में डिटेल से बात की है। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमने यूआरएल इंस्पेक्शन टूल को कवर किया है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।